नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ मिथुन लगन व मिथुन राशि पर वीडियो लेकर। आपके सम्मुख ये मिथुन लगन की कुंडली है। अगर आपकी लगन कुंडली में 3 नंबर की राशि लिखी है पहले भाव में, तो आपका मिथुन लगन है। और अगर उस 3 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है तो आपकी मिथुन राशि भी है। यानी आपके सम्मुख है मिथुन लगन व मिथुन राशि की कुंडली। मिथुन लगन व मिथुन राशि वालों के लिए 24 जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक का समय, ये समय कैसा रहेगा इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आप इस वीडियो में देखिए, मैंने जो आपको दर्शाया है कि धनु राशि में गुरु विद्यमान है और मकर राशि में शनि विद्यमान है, इसका प्रभाव आप लोगों पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें सितंबर 2017 की। सितंबर 2017 में गुरु ने तुला राशि में प्रवेश किया। तुला राशि में प्रवेश करने के साथ ही जिन लोगों का मिथुन लगन था या मिथुन राशि थी, उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई। रीजन क्या था कि गुरु अपने भाव से षडाष्टक थे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी दशमेश अपने भाव से अष्टम में आ गया था, जिसके कारण मिथुन लगन व मिथुन राशि के लोग परेशान हुए। उसके बाद 11 अक्टूबर 2018 को गुरु ने वृश्चिक राशि में प्रवेश किया, तो पहले से स्थिति में सुधार आया कि गुरु ने आकर 1, 2, 3, 4, 5 आपके दशम भाव को दृष्टि दी। ये आपके लिए पॉजिटिव रहा, पर तब भी आपका जो दशमेश है वो छठे भाव में था। और हम जानते हैं ये कुंडली के गड्ढे होते हैं, छठा, आठवां, बारहवां। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह छठे, आठवें, बारहवें में बैठा हो तो आपको परेशान करेगा। और अगर वही ग्रह किसी भाव का स्वामी छठे, आठवें, बारहवें भाव में गोचर में आ जाएगा तो भी आपको परेशान करेगा। यही रीजन था कि गुरु के वृश्चिक राशि में आने के बाद प्रॉब्लम थोड़ी सी तो कम हुई, क्योंकि गुरु ने दशम भाव को दृष्टि दी। यानी गुरु अपनी राशि को देख रहा था 1, 2, 3, 4, 5, पर इतना कुछ होने के बाद भी गुरु छठे भाव में बैठा था। छठा भाव था ऋण का, रोग का, शत्रु का। यानी आप नौकरी कर रहे थे तो बिना बात पे कोई शत्रुता पाल सकता था। आपने कोई लोन लिया तो उसका चुकारा करने में प्रॉब्लम आ रही थी। आपकी कोई बीमारी थी तो लंबे समय से चल रही थी, ये स्थिति थी। अब इस स्थिति में सुधार आया 5 नवंबर 2019 को, जब देवगुरु बृहस्पति ने सप्तम भाव में प्रवेश कर लिया। करेंगे 5 नवंबर 2019 को देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मैंने ये वीडियो बनाया है 24 जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच में। यानी 24 जनवरी वो तिथि है जब शनि महाराज, जो कि 26 अक्टूबर 2017 से धनु राशि में विद्यमान थे, यानी आपके सप्तम भाव पे चल रहे थे, वो जो हैं 24 जनवरी 2020 को आपके अष्टम में आ जाएंगे। जब भी किसी कुंडली में चंद्रमा से शनि अष्टम में आ जाते हैं तो उस राशि की अष्टम की ढैया शुरू हो जाती है। यही रीजन है कि अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपकी शनि के मकर राशि में प्रवेश करते हुए आपकी अष्टम की ढैया शुरू हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब शनि के अष्टम की ढैया शुरू होते ही आपके भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य भाव में कुंभ राशि है, इसका स्वामी शनि अष्टम में आ गए। यानी आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। पहले आपको भाग्य का साथ जरूर मिल रहा था, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के 1, 2, 3 आपके भाग्य को देख रहे थे, पर अब आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पर एक तरफ तो ये शनि की ढैया शुरू हुई है, दूसरी तरफ आपका देखिए पॉजिटिविटी, गुरु देव गुरु बृहस्पति आपके केंद्र स्थान पे आ गए हैं 5 नवंबर 2019 से। तो ये जो हमने समय लिया है, तो 24 जनवरी 2020 को एक तो देवगुरु बृहस्पति आपके धनु राशि में विद्यमान होंगे और शनि महाराज मकर राशि में प्रवेश के साथ आपकी ढैया शुरू करेंगे, पर आप इस ढैया का सामना कर पाएंगे। गुरु आ गए, सबसे पहले पॉजिटिविटी है कि जब शनि की ढैया आती है तो शादी का समय बनता है, और मिथुन राशि वालों के लिए तो शादी का समय इसलिए और बनेगा कि गुरु खुद सप्तम भाव में विचरण करेंगे, तो ये शादी के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। कम से कम आप देखिए कि 5 नवंबर 2019 से 23 जनवरी 2020 तक तो गुरु और शनि दोनों सप्तम भाव में विचरण करेंगे, तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिविटी निकल के आई है। उसके बाद भी जब भी गुरु वक्री होंगे, आपकी शनि आपकी शादी की स्थिति बैठेगी, तो मिथुन राशि वालों की शादी का समय आ गया।
दशम का भावी सप्तम, दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव में अपनी स्वराशि में बैठ गया। आप कोई व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, बहुत उत्तम समय है। आप नौकरी से परेशान थे, नौकरी को बदल सकते हैं, नौकरी बदलने का समय आ गया। दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो पहले छठे भाव में बैठा था, पति पत्नी में विवाद होते थे, वो दूर होंगे। अब गुरु अपने ही भाव में बैठ गया, दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 लाभ भाव पर। आपको इनकम के नए मार्ग मिलेंगे, आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, व्यापार में आपको लाभ होगा। आप कोई अभी कम पैसे की नौकरी कर रहे थे, ज़्यादा पैसे की नौकरी पे जा सकते हैं। काम के आपको नए नए अवसर मिलेंगे। गुरु की शुभ दृष्टि आपके लगन पर होगी, आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा आपका। यानी गुरु सितंबर 2017 के बाद गुरु अपनी शुभ अवस्था में आया है कि देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है और दशमेश अपनी स्वयं की राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। इसलिए मिथुन राशि के ढैया शुरू होने के बावजूद भी मिथुन राशि की ढैया अधिक कष्टकारी नहीं होगी। साथ ही मिथुन राशि का स्वामी बुध और शनि में मित्रता है, इसलिए इतनी कष्टकारी नहीं होगी। साथ ही शनि यहाँ आ तो गए हैं अपनी मकर राशि में, पर शनि देखिए 1, 2, 3 यानी दशम भाव पर शनि की दृष्टि होगी। लाभ भाव पर तो आपके दशमेश गुरु की दृष्टि है और दशम भाव पर शनि की दृष्टि है। शनि आपके दशम भाव की रक्षा करेंगे। बस आपके घर में आपके बूढ़े माता पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आपके शनि की ढैया चलती है, चाहे चतुर्थ भाव की चले या अष्टम की चले, तो माता पिता के स्वास्थ्य के लिए वो समय सही नहीं होता। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, समय से पर उनका चेकअप कराइए और शनि की ढैया में डिप्रेशन में आने से बचने के लिए कुछ मेडिटेशन कीजिए। काम की गति थोड़ी धीमी होगी क्योंकि भाग्येश अष्टम में चला गया है, इसलिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। पर ओवरऑल ये समय ऐसा है कि देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है और आप इस समय को भी निकाल लेंगे। इस प्रकार मिथुन राशि वालों के लिए ये मैंने वीडियो बनाया। जो मेरे आपके सामने कुंडली है, ये मिथुन लगन व मिथुन राशि की है। अगर आपका मिथुन लगन है तो ये योग आपको लागू होगा 75%, मिथुन राशि है तो लागू होगा 50%, और मिथुन लगन व मिथुन राशि है तो लागू होगा 100%। अब ये भी हो सकता है कि आपका मिथुन लगन हो धनु राशि हो या मिथुन लगन हो मीन राशि हो, तो इस योग को अलग अलग ढंग से हम आपको देखना पड़ेगा कि आपका मिथुन लगन के संग कौन सी राशि है। यह हो सकती है आपकी मिथुन राशि हो और तुला लगन हो। अगर आपकी मिथुन राशि होगी तभी आप पे शनि की ढैया लगेगी, क्योंकि शनि की ढैया का विचार हम केवल चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा से जब शनि की पोजीशन चौथे या आठवें होती है तो शनि की ढैया लगती है। जिस प्रकार तुला राशि वालों पर चौथे घर के शनि की ढैया लगी है, इसी प्रकार मिथुन राशि वालों पर अष्टम की ढैया लगी है। ध्यान करिएगा कि शनि की ढैया है, काम की गति थोड़ी धीमी होगी। आगे बढ़कर कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिसमें आपको पछताना पड़े। जैसे आप नौकरी में लगे हुए हैं और अक्टूबर 20 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे, उसके बाद भूल कर भी एकदम उत्तेजना में आकर कोई नौकरी ना छोड़ें। संभल के जब तक किसी विद्वान जोशी को अपनी कुंडली ना दिखा लें, कोई बड़ा स्टेप ना लें, क्योंकि ढैया में अगर आपकी बेरोजगारी हो गई तो आपको लंबे समय तक बेरोजगार रहना पड़ेगा। क्योंकि शनि महाराज किसी भी अवस्था में ले आते हैं तो शनि शनि चलते हैं, तो काम की गति निश्चित रूप से धीमी हो जाती है और आपको लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद मुझे फल नहीं मिल रहा। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे सकते हैं। कृपया करके मुझसे एक बार में एक ही प्रश्न पूछिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के प्रश्नों का जवाब दे सकूं। नहीं तो आपकी ये कंप्लेंट होती है कि मैडम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रही। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।